आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भारत एक कृषि प्रधान देश, यहाँ की अर्थव्यवस्था का लगभग सारा भार भारतीय किसानों के कंधों पे है, लेकिन आज वही किसान विवश है। क्यों? क्योंकि जमींदार, पूंजीपति और साहूकारों के द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण होता है। सच कहा जाए तो भारत का किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में ही मर जाता है। अरे भगवान, इका कर दे लूं तू। आखिर सरकार हमार बसमतिया के जान लेके ही बल्लस। हमार पता हो क्या हत्या भइल बा, और ये हत्या ऐसा के जमींदार चटनी सिंह केले बाड़ा। चटनी सिंह हैने सुन। जी सरकार। लहसुन पांडे के होते हुए चटनी सिंह के केहू बाल बाका कर सकेला? केहू नहीं सरकार। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तोड़ दो सबके। तोड़ देंगे। मेहरबान कदरदान साहिबान, कान लगा के सुनी, आग जमा के सुनी। जानत हूं भौजी, लागत है ना कि असो हमार बिया ना होई। काहे हो? कहे से कि मुझो से बिया ना हमार दहेज के कुल कमाई लेके चल जाए। जी हाँ, सही सुनी गुलाबो रानी। आज रात अरे नाचेंगे, पैसा उड़ाएंगे। अरे ता हम का मुंह देखा, हमू पैसा उड़ाई। गुलाबो रानी चाचा भूलिएगा मत। आ गए अपन लटका झटका दिखावे, हमने के मर्दन के 6 महीना के कमाई लूटे।
इंजेक्शन देते हैं। अरे बेटा काल खूब लटौले हुआ लोग आज सबके काछ ली हन चला चला का हो? सरकार प्रणाम। खुश रहा। कुल मुजरिम के पकड़ के आल है काल रात खूब लुटौले हमन कुल मलिया। ते कितना लुटौले बेटा? हम हाँ कुछ ना जवन रहुआ देनी बाटे के वह बटन लिया। मनीम जी। जी सरकार। कैसन लागत हो? टॉप क्लास। ब्याज में लिख ला। भग 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 भग। अरे तो रात में आके भेष बदल के पैसा लुटा होत रहले हो। चोरे हवे कारे? अरे ना कितना लुटौले? मात्र 7,000। 7,000 के लगभग 18,000। जाता नहीं साफ साफ एक कहना कहता रे कि तू हमार भतार से मिले जाता रू। ए मोर मार के रख ले बड़ू का चोखा हमार बड़े और हमरे रही हैं। हाँ, एक बार और चोखा के नाम ले लो ना तो हम भूल जाए कि जलेबी नाम के भी हमार कोनो बहिन रहे। चोखा 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 फिर हम करे लगलो जा देखा जलेबी बढ़ है इमरती यही से पहले जलेबी जाइए ठीक बा ठीक बा पता नहीं दोनों के का हो जाएगा। पायला गो काकी। अरे जुग जुग जिया बिटिया बैठा ना लावा हम कर देता नहीं। अरे रहे था हम कई ले और बतावा कहाँ रहलू है इतना दिन गैल रहनी मेरी बहन के शादी में। अच्छा पूरा 15 दिन बाद लौटनी है तो सच में अपना दुलारी काकी से मिलाई। ये तो बहुत बढ़िया कैलू है तू। वैसे चोखा नहीं खेला होगा शरारत नहीं खेल का शहर से तो आ गई बा बाकी हम जोन सोच के उकरा के शहर भेजले रही है ना वैसन भय नहीं। 15 साल शहर में रहला के बाद भी वो वैसन है बा जैसन लड़कियां में रहे। पता ना इस जमाना में हमार लेका जी कैसे जी ली ही एक आकी तू ओकर चिंता मत करा भगवान जकरा के बनावे लन ना ओकर तकदीरो उहे लिखेलन। पार्टनर एकदम जैसे बचपन में तहार एनर्जी रहे ना हाँ। जवानी में एकदम वही बरकरार बा शहर के धुआ पानी से हाँ। तहार एनर्जी में कोनो फर्क नहीं के पड़ा हाँ। आज हमरा गर्व होता तू हमर पार्टनर हमर पार्टनर। जानी पत्थर पिसने से कभी मैदा नहीं हुआ और हमें हाथ लगा दे इस धरती पे कोई भाई। पैदा नहीं हुआ पैदा नहीं हुआ हाँ पैदा नहीं हुआ। जानी जिनके घर शीशे के होते हैं वो कभी लाइट जला के कपड़ा नहीं बदला करते नहीं करते नहीं करते रुक रुक का भाई रे कुछ हो ना ना है कहा योगा योगा रामदेव बाबा के बाद तोरे नंबर बना ई कौन आसन है ई टकलासन और है हाई प्रशासन प्रशासन और है निहुरासन आ तोर हमर तो दुशासन हो तो बच गेल भाई। चला सना गुल्ली डंडा खेलल जा ना।
कहाँ चल गई सर ये? बाकी बचल ले जाइए किसे? परवाइल ले ये चोखा हाँ क्या नहीं आवत नहीं है ना एने आवा और सोखा बाबा प्रणाम 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 बढ़िया सब 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 कहाँ गए रहला तनी करनी आम के बगीचा में आम देखे खाते अच्छा अच्छा तनी एको काम करा ई कुल ई सब ईटा है ना हाँ एकरा को उठा के वहाँ जमा देता नेबुआ कितना मिली का नेबुआ पैसा पैसा हाँ 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 माई पैसा माई पैसा ए माई अरे पैसा अच्छा माने अच्छा चोका तो के पसंद पड़े है केकरा से बात करता एक मिनट एक मिनट हाँ माई एक सेकंड जेबू हाँ हाँ ठीक केकरा से बात करता रहा काली एगो चुराइन पकड़ के डलले बानी का चुराइन हाँ वो कहते कि तू ओकर के पसंद बड़ा ना वो इहु कहते कि वो तहरा संगे जाई ना ना जाए के हम कब कदा कदा हाँ जल्दी कर वेरी गुड हाँ हाँ ना 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 माई करा तक करा ताऊ हाँ हाँ तहरा जाए दे वो प्रसंग हाँ चुप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चोखा अच्छा कहला हाँ माई हाँ माई कुछ पानी पिया के दे देना भाग चोखा निकल दिया भाग ए चुराई जय हनुमान जी जय हनुमान जी जय हनुमान जी चुराई जय हनुमान जी अरे कहाँ जात रहा हमारा चोखा अरे चुराई पीछा भी यहाँ ये चोखा एगो चुम्मा दे दो चुम्मा ओ गॉड बाप रे बाप प्रतिष्ठा पिछले साल पार कहीं अच्छा रहा बट नया बुलाई कहीं झूला झूले के कब बहिया में मिली बोला ना मोरे सैया जरेला जैसे कराही में फोरन ओही तरे जरतानी हो कि ये हो धन सहना जाता तो धाई ता फ्रिज में जवानी हो कि ये हो धन सहना जाता धाई ता फ्रिज में जवानी हो कि ये हो धन सहना जाता कुछ चाहता बड़ी डाहता मन भइल जाता पुर गोदी हो जनता नहीं हो नहीं मानी हो ए जवानी छानी बस कूदी हो रही जाती खुला
हमार गांव में रहल कठिन हो गेल बाबे। का भेल रे? का भइल? हां पूछतर का भइल? दे तोरा हाथ में बुखार होई। अरे हई मिर्तिया जिलेबी हमार जियल काल कर दिले बड़ी समय। हमार गाल टो तरी से काहे अंगुरियो कर तरी से हमरा के काहे का कोही ओकन के बियाह करा देते। अरे ओकनी के बियाह हम कैसे करा देबे? त तेना करबे त के कराई? ओकर बाबूजी करई। ओकर बाबूजी से कह के करा दे। अरे तो ओकर बाबूजी हमार कहना काहे मनी है? त ना मनी है ना। हमरा लागत रे माई कि हम तनी अब जवान हो गइल बानी। हां सच में हो गइल के कुछ बोले ले त ना भरती त के अंगुरी करती सामरा के हो गइल बानी तबे न लागत हम जवान बुझा त जे हो गइल बानी। इहु जवान भीले पर गड़बड़ तो होबे करेला गांव जवर तो देखबे करेला। अच्छा चुप कर। आए एक काम करिए। हां बिहाना भिन्नही तैयार हो जी है। अच्छा हमनी के कहीं जाए के बा? ठीक बा कहां जाए के बा? अरे बता देब ना सब कुछ अभी बता दे। ठीक बा त कल चल जाई ना। हां हई लेते अब मोल दे बाकी आ खाना तनी ठीक से बना दी। हां हे भगवान कल सब कुछ निमन निमन हो जाए। अरे चोखा जल्दी चल ना। माई अब तो बता दे कि कहाँ जाता नहीं जा। हाँ हमनी ना तोहरा खातिर लड़की देखे जाता नहीं। लड़की देखे? हाँ अरे बहुते निमन घर बा बहुत बढ़िया परिवार बा बहुत नसीब वाला बड़ा बेटा जितना बढ़िया घर में रिश्ता हो रहा है। और हाँ एक काम करिया तू ना ज्यादा बोलिया मत। हाँ और बहुत ज्यादा बोले की जरूरत पड़ी ना एकदम कोयल लियन बोलिया। ठीक बा? ठीक बात जैसन कह वैसन कह। चला बैठ। ई हमार बेटा है चोखा। बाबू तो बड़ा निमन लागत आ रहे। और बताओ बेटा का हालचाल बा? कू 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 का कू 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 का करत बाड़े समधी जी हालचाल पूछत बाड़े बताओ ना। अरे तो तीन खोले रली कि कोयल की तरह बोले के बा? कोयल की तरह बोले रहनी हाँ एकर मतलब हम मीठा बोलिया प्यार से बोला। जी सब ठीक बा आपन सुनाई? हमरा भी सब ठीक ठाक बा। हमरा तरफ से रिश्ता पक्का बा। तोहरे पसंद से का हुई? हमरी लड़की के भी पसंद होके के चाही। अरे एक बार मिलवा दी हमरा के वो हमरा के एक मिनट में पसंद कर ली है। ठीक बा चला। का हो रहा भाई? यहाँ स्वयंवर स्वयंवर जाने ला? हाँ जाने लेना सीता जी के भी तो स्वयंवर भाई रहे ना। अरे वहाँ तो धनुष तोड़े के रहे। हाँ। यहाँ हमरी बिटिया के लाठी के फाइट में हरावे के बाद। हाँ? हाँ जे फाइट में हमरी बिटिया के हराई उ ओकरा के वरमाला पहनाई। स्वयंवर में चलबा कि वापस जाइबा? अब आगेल बनी तो बिना ब्याह के लेना जाए। आई रहला हमसे ब्याह कर। अब ब्याह के बारे में जीवन में कबो सोचिए भी। और के हुबा हमसे ब्याह करे वाला? हम बनी हम बड़ बड़ घोड़ा दहाइल जाए गधा पूछे कितना पानी। हाँ जब तू हमरे के गधा मानिए ले ले बड़ू तो गधा ही बने खाती रेडी हो जा। कहा डोली हमरे घरे जाई? Yeah!
का विचार बा बिटिया बाऊजी हमरा के ही पसंद बाड़े सोना के पानी निया चमकेलु छुई तो छोट जेना छनकेलु देखी रूप सुधराई मुड़ी जाता गबड़ाई हमको यही में भटक गई बड़ा बहिरा ओकरे में कट
अच्छा एगो बात बताई सरकार। पूछ। यह 50 के उम्र में इतना मेंटेनेंस का राज बा? खायल पियल शरीर हरे। जितना खाए कर है खा लेनी। आज से अपना मुंह में ताला लगा ले। कहे से काल से होए वाले ऊपर के आमदनी बंद होके वाला बा। कहे तोरे मौसी के ब्याह का? हमार मौसी ना, तुहार मौसा। जिला के कलेक्टर के दौरा बा। अच्छा। और अपना गांव में रउआ विकास के जो नदी बहुले बानी वो देख के हमारा लागा था कलेक्टर साहब गांव के मिले वाला अनुदान बंद कर दी है। अनुदान ऐसे कैसे बंद हो जाए? बंद तब हुई जब विकास ना दिखा पड़ी। अच्छा। मनीम जी, सरकार भी आज काट के गांव में विकास का ऐसा नदी बहाओ कि कलेक्टर का आँख चौंधिया जाओ। जितना टूटल फूटल सड़क हो सब पक्का करवा दो। सरकार स्कूल का ताला खुलवा कर रंगवा दो। अरे लेकिन स्कूल में मास्टर कहाँ से आई? सरकार भी आज काट के गांव में इतना घूमत हुए बेरोजगार सब पागल सारे लोग उनके बना दे स्कूल के टीचर। जमींदार चटनी सिंह आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत कबूल किया जाए। हम कलेक्टर अचारी लाल राउंड लोग के स्वागत कबूल करत हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये कौन है? चपरासी है सर विद्यालय का। हाँ, योगा कर रहा हूँ। उस चापाकल में पानी आता सर? चापाकल में चाप के पानी आता है, फूल आता है, मैंने इतना पानी आता है कि पूरा खेत भर लीजिए। आइए सर, आइए 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 आइए। एक दो तीन चार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए सर। बच्चे बहुत संस्कारी हैं, बहुत एजुकेटेड पढ़े लिखे हैं। सर कुछ पूछे ना? सर जे पूछे के बाद लेकिन उनसे पूछ ली। अच्छा बेटा तुम खड़े हो जाओ। सरकार मुनीम जी लागत हमारे प्रोडक्ट एकर माई कौन हो? सर यस। ओकर चेहरा देखी बीमारिया लागत हो। अगर सवाल के नीचे दब के मर गई तो स्कूल बंद करेगा बोल। बैठ 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 सर। हाँ सर से कुछ पूछी। आप मैथमेटिक्स के भी टीचर? जी जी जी। गिनती तो आती होगी आपको? गिनती आवेला? एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस। क्या बात क्या बात। एक मिनट, छह कहाँ गया? छह तो मर गई ना सर। आज के पेपर में न्यूज आयल रहे कि डुबला से छह के मौत हो गई। कलेक्टर साहब जिंदाबाद, कलेक्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कलेक्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। कितना धन्यवाद चोखा रो। जी प्रणाम। अरे चोखा कहा चल बा? अच्छा बात तेसन बाकी काल बुझाते न रहे कि रोड गढ़ा में बा कि गढ़ा रोड में बा। लेकिन आज तो ऐसा बुझाता कि सुइयो गिर जाए तो आदमी उठा ले। स्कूल में पहले भैंस बनाते ली हसा, आज देखनी है जो में लड़का पढ़ाता ला हसा। बड़ा अच्छा लगल है। चापाकल हमने के इनार के पानी पी के हालत खराब भइल बा। लेकिन आज चार चार गो चापाकल गाँव में ला गइल बा। अचानक रातों रात कैसे चेंजिंग हो गई? अरे पागल सर वो क्या है? एक मिनट एक मिनट चोखा राम जी, ये सारा काम जो भइल रहे कल रात में भइल रहे। सोहे कहाँ तानी? अरे सर ये शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस है, गजनी हो। एक दिमाग में कब कहा जा कुछ पता नहीं की। हमरे से बात कर रहे हैं कि आरडीएम साहब से? ना ना रौरा से। तो मेहरारू लाल हमें मुंह दिखाओ। हाँ बिल्कुल दिखाओ तानी ना। दिख ली पागल है। ये देखिए हमारे मेहरारू के सुंदर भैया ना। अरे कैसे सुंदर भैया? अरे जब समनवा चाप के खड़ा हो गए तो मुहवा कहाँ दिखाई पड़ी? एक बार और दिखाई। देखो 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 एक बार और दिखाओ। ये देखिए ठीक बा ना आप सुंदर भैया ना? अब ठीक बा चोखा? हाँ मैंने पगले हवे का हाँ खड़ा हो गए सामने। हाँ कुछ नहीं खेलो काई
अब यो ना लो कॉल नहीं एक बार आओरी देखो अब चटनी बाबू के बारे में कुछ बोला ना कुछ बोला ना काश हम विधायक और तुम अल्पमत के सरकार होते बिना कीमत लिए हम आपके समर्थन को तैयार होते का बोलनी हो आई जवन खरीद ले वाली बात बोलनी हो ना करेजा फट जात हो मोर आज तहरा खुशी में लिट्टी चोखा तो हम लोगन के शादी के खुशी में जवन कहा हम कर खदन तैयार है जवन मांग बतौन दे दे जवन अच्छा लगे दीदी अरे तू कहबनु तो कोरा कागज पे साइन करके दे दे तो दीदी दीदी हां प्रणाम जी सरकार कागज लाओ लो ऐश करो चटनी बाबू शादी खाली इकरे निखे भाई हमरो भइल बता अच्छा चटनी जी हां एक कागज हमारे तरफ से भी साइन करके दे दीजिए बार बहादुर हम दे थे हमरो लगे बा प्रणाम जी सरकार तुम भी ऐश करो चल तनी प्रणाम चटनी जी हमू चला तनी कहा कि रिपोर्ट कार्ड बनावे के बाद ओकरे आधार पे न तय होई कि गांव के अनुदान जारी रखे के बाद कि बंद करे के बाद ऐसा मत बोलिए अनुदान तो देना ही पड़ेगा हाँ हाँ वो तो देखल जाए कि रिपोर्ट कार्ड कैसन बनता अभी हम चलते हैं नमस्कार मनन जी सरकार सरकारी का कदन भी आज का भलो जा 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 भागा सब सरकार होशियारी में पगला के कोरा कागज साइन करके काहे दी नहीं टका हो गई अरे उ पगले था कागज के दुरुपयोग कर दी आज काट के सही बाप रे बाप मनन जी हां सरकार एकरा पहले की घरे पहुंचो वहां पहुंच ही कागज ले ले अरे ले ली सरकार फॉलो मी चोखा, ए चोखा, भूला, भूला, अरे दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे, अल्लाह के नाम पे मौला के नाम पे दे दे बाबा खामोश का हो गया भाई एकरा बिहाई के पत्ता लाई ना हाँ? और भिखारी खाना खाए खातिर दरवाजा चलाई ले हाँ? छेनो हाँ? छेनो ले 10 रुपया मिठाई खा लेना बेटा ना चोखा हम छेनो नहीं खे हम चटनी जमींदार चटनी सिंह खामोश हाँ? 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 जमींदार जी प्रणाम खुश रहा माता जी अटक गए हो एक खामोश पे तनी छोड़ा दे के अरे चटनी बाबू प्रणाम रुआ कब बनी तू हमरा हवेली आ रहला हा हवेली हां हां अपना पत्नी के साथ है अपना पत्नी के साथ हम रुआ हवेली पे का करे अपना घर पना है अरे थोड़ी देर पहले तू हमरा हवेली आए ललनु कई साल पहले अरे कई साल पहले ना थोड़ी देर पहले अरे अपने पत्नी के साथ आए लहलो हम तोहरा के कोरा कागज पे साइन करके देले रहनी हो अच्छा कागज ना गुड कैसन कागज अरे चोखा तू बिया करके हवेली आई रहलो आ घूंघट उठा के अपना मेहरारू के मुंह देखोले रहलो अरे तो हमार मेहरारू तो घूंघट हम उठा ना तू उठाइबो लेकिन घरे में उठाइबो ई दे दे हमके ले लो रख ले बेटा अपना मेहरारू के जब लेके हवेली आई रहो तो तोके हम कोरा कागज पे साइन करके देन हाँ। तो वो कागज लेके तू अपने मेहरारू साथे अपने घर आइल हो का बहन जी देखा
चोखा एक काम करियो अपने मेहरारू से कह दियो कि घरवा में का ढूंढ ले जब मिल जाए नू जी। तब हवेली लेके आ जी हा। ठीक बात हम चली तू कहाँ चलबो जाए तो हम के वहा अच्छा लेकिन सुनो नया नया ब्याह भयल हो तोहार नई नई बहुरिया घर में आयल भी तो हम ही चाहत रहनी हो कि एगो बहु भोज कर दी तब बहुरिया के लेके काल हवेली आ जाइयो का बजे 10 बजे जी ठीक बा तुझको देखा ए मार करे जा लहसुन पाने लिट्टी नहीं की तू आवा लहसुन पाने पागल होगा नहीं हमके चारों ओर खड़ी लिट्टी लुका दो फिलसिया में तरीवा में खाना पीना उठना बैठना सोना आता लहसुन पाने हमके लिट्टी चाहिए हमके लिट्टी से मोहब्बत हो गए लो हम पगला गए लो बरेली लहसुन के होते हुए लिट्टी बच के ना चाहिए लिट्टी परिचर भितरिया के बढ़ गए पोरे पोरे जहर राजा चढ़ गया परिचर भितरिया के बढ़ गए पोरे पोरे जहर राजा चढ़ गए प्यार इतना कर है सजा हमके बुझा तो खाई कानिया नकोतिया में चपनी आए आए से नमा हा हा कहा का सारा
अरे चला लिट्टी, अरे आवत आ लेट हो तब भोज से रह जाई। इतना हड़बड़ाए का है बानी, आ तो गई नहीं। अरे तो भोज से राज। डीएम सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे चोखा जी, कल ही तू चटनी सिंह के बारे में क्या कहत रहल हो? कौना बारे में? यह सड़क पानी बिजली के बारे में कुछ कहत रहल हो। अरे छोड़ी साहब, वो सबसे कोनो मतलब नहीं है। ठीक बा, जल्दी चली ना तो भोज की मजा खत्म हो जाए। हाँ हाँ चलतन चलतन। कहीं जात बड़ा का? हाँ चटनी सिंह के यहाँ भोज बना हमने के। अरे चोखा, नया नया मेहरारू के ज्यादा पैदल ना चले देवे के चाहिए। अच्छा गाड़ी बाना हो जाए। हाँ आई ना आई, रउआ लोग के हम छोड़ देता नहीं। चल जाई ना डीएम साहब, छोड़ी अपन काम करी। अरे बहुत दूर नहीं खजा के हम के चल जब सा। अरे जिद मत कर। ना ना डीएम साहब, आई ना चली आई। हमरा मरद के ना के मतलब ना हो। चली जी। चोखा हाँ, तहार मेहरारू तो बहुत बढ़िया बोल ले वतिया जी। चला आओ। तुहार पहुरा हमरा घर खाती बहुत अच्छा बावे। जब से तू आइल बड़ू ना, हमरा घर पर एक से कहा लोग आ जाता। आज हमरा दुआर पर डीएम तक ले आ गेले। ना तो हमरा दुआर पर तो कुकुर ले ना बतला। हाँ। कितना भोला बाड़े, जे ही कमी ना इनकी नियत भी नहीं के भाप सके। सोचा था कुछ ना, चलो आओ। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर मेरे प्यार की। अरे आ गई सरकार भी आज काट के। जी जमींदार बाबू प्रणाम। अरे अरे लिट्टी कैसन बड़ू? ठीक बड़ू। अरे चोखा लिट्टी बैठा 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 लेकिन हुआ सामने बैठा घरे के बात हो। लिट्टी बैठा ना, तू बैठा। ए लिट्टी बैठा बैठा बैठ जाओ बैठा। चोखा जी बैठा 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 रहुआ सामने। अरे तोहार घर हो। अच्छा अच्छा। देखा चोखा, कभों भी ये घर के अपन घर समझिया। हाँ लेकिन घर बहुत बढ़िया बाबे। पहले ना देखले रहल ना? ना जी कहाँ देखले बनी। अरे चोखा तोहार जब मन करे कभों आ सकल है तोहार चटनी के घर। है मनन जी? जी सरकार। ले जा तनिया चोखा के हवेली टहला दा। ठीक बा चला चोखा, चा, 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 हवेली घुमा दी। घर देख के होता आओ तनी। लेची देखा सब ठीक बानू जी। देखा एक बात बताई, हमारा बात को सुनिया कम समझिया ज्यादा। हम मानता नहीं कि लिट्टी चोखा साथ में अच्छा लागे, लेकिन कभो कभो चटनी के साथ भी कॉम्बिनेशन मिलावा में हर्ज नहीं की। जौन इंसान अपना हद में रहेला ओकरा साथे कब धोखा ना होला। और हाँ चटनी घी अचार ये चाहे अपना आप में कितना भी काबिल हो, लेकिन चोखा के बिना लिट्टी और लिट्टी के बिना चोखा ना होला जमींदार जी। अरे तो हम अलग हो खातिर थोड़ा हूँ कहत रही, हम तो बस खाली इतना कहत रही एक बार सिर्फ एक बार चोखा के धोखा देखे चटनी के साथ आके तो देखे। हम तो के जितना कमी ना समझत रही तो ओकरा से भी ज्यादा कमी ना बाड़े। लट्ठी देवी हमारा आशिकी के कमी ना पन मत समझा, थोड़ा इज्जत तू हमारा दा, उसे ज्यादा इज्जत हम तारा के दे रानी बना के रख। और सुना चोखा के पता भी ना लगे। प्रॉमिस। जमींदार जी हम कहीं गांव के उन मजबूर औरतन जैसे मत समझी हा। अच्छा हम वो हैं जे अपना पर आ जाए ना तो तोहरा के जिंदा जरा दे। और हाँ एक बात याद रखिए, अगर आज के बाद हमारा साथी ऐसन बेहुदा बात कहला तो तोहरा मुंह पर घुमा के ऐसन चप्पल मार कि चप्पल के नंबर तोहरा मुंह पर छप जाए। क्या गिरल क्या गिरल? अरे जमींदार बाबू रुवा लिट्टी के चरण में गिरल बन। हाँ अतिथि सत्कार। जमींदार जी कहा तारे की
मेहमान भगवान ये होला। हाँ। ऐसा जमींदार तो पूरा धरती पर खोजलो से ना मिली है। जमींदार बाबू अब खाना हमने के खा लिया है। ए जी, हमारे पेट तर इनकर अतिथि सत्कार से भर गई। अब हमरा से एको दाना ना घोटाए। चले। लेकिन हमार पेट खाली बा। हम रोवा के घरे ताजा खाना बना के खियाए। चले। अरे यहाँ के इतना प्यार से खाना बनोले बनी अगर हमने के ना खा सा तब बुरा लगे ना रोवा। जी 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 हाँ खा लीजिए। देख लू ठीक बे को काम करा तनी खाना नहीं की खा तो फले ले लेते ना पहुंचवा दे कल बर्तन। एक को हाथ ना जीतबे एक को हाथ ना। आदमी के उतने बोले के चाहिए जितना लोग बर्दाश्त को ले ते कुछ ज्यादा ही बोलो तारे बाबू। अभी दिमाग के पिटारा में खटाना खाली नहीं खा भइल अभियो ना एक अंगुरी पर पूरा गौवा के नचा देम धटा धटा एक अंगुरी पर बुझलहुं। तनी एकरा के समझाओ सरे ई कुछ ज्यादा ही फेकता तोरा खाली फेकु चन पूरा गांव में घुमाता लो। अजमाला आजमाला लड़ा के दिखाला गवा के दिखाला भगा के दिखाला मुस्कुरा के दिखाला। अच्छा एगो काम कर अगर ते कुछ कर सकत रहिस ना ते दोनों लड़की में से कोनो एगो के पकड़ के देखा इतना छोटा काम पक्का। अरे कहाँ से आ गई का बदतमीजी है। हाँ दीदी डर गई दीदी डर गई दीदी डर गई। हाय देखा पागल के बाना लेखा नाचता और दीदी को हता पगले अच्छा तो इकनी के प्लानिंग बा आबा भैया दीदी की बात ना सुनवा आबा 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 ना आबा चला चला दीदी के साथे चला टैलेंटेड बा माने के परी फिर से छेड़बे लेगी के छेड़बे बोल छेड़बे दोबारा माने के परी टॉयलेट आज हम माल लेने की तरह में बावे लेकिन निशान कैसा लगा चुम्मा चुम्मा के हो जबरदस्ती लेकिन तांगुरी के निशान लगता अरे गुंगरी के ना हड़बड़ा के लेले सन देख के इतना स्मार्ट लड़का। हां हां लेकिन पीठ में माटी कैसे लगा माटी खटिया चौकी ना रहे। हां भुइया में रगर रेर के दे देले बाड़ी सन चुम्मा सब जगह लाल पीला हो गेल ना गर्दनों पर लगल बा। अरे मां दीवालों में रगर के अरे दीवाल में रगर के जो ले लेले बाड़ी सन दुदु को रही सन आलू तो बढ़िया बा निम्बर रही से चुम्मा लगे छोड़ दे लेकर अब बाबू कहीं धरा जाती खराब के फेरा में ते चुम्मा के ना अंगुली के निशान रही बुझालू लेकिन माने के परी अब दुआ के ना ना बाबू ना अरे काहे से ना इतना एनर्जी खिंचा गई कि अब हरदी और दूध पिए पड़ी अरे तले लही ना पड़ी सरे चुम्मा इतना ले ले पानी के हैंगो भर दूर बा हैंगो भर आओ ना 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 अरे तो दो हाथ खेल ले आओ ना सरकार अरे आप तो बता दी आपके का भइल बा ब्याज काट के चखवा के मेरा हमरा के चप्पल से मार के धमकी देले बिया। अरे त धमकी न मिलल बा सरकार मरले नहीं खन ब्याज काट के मरले समझ ले आए मने सरकार लट्टे के पावेला हमार बहुत बड़ी लालसा रहे लेकिन लालसा जिद में बदल गइल बा आए कौनो भी कीमत पे अब लड़ती चाहिए। हाँ। पता लगाओ कि वो परिवार के हमनी कौना कांड में फंसा सकेनी। अच्छा शर्मा जी नमस्कार। आई आई दरोगा जी आ जाइ जा वो फोन कैले रहनी ना केकरा खातिर वो लोन डिफॉल्टर के लिस्ट खातिर। अच्छा अच्छा लोन डिफॉल्टर का लिस्ट लेकिन रउआ तो नामे ना बतौनी कि केकरा खातिर चाहे लहसुन एने सुन जी सरकार एकर काम ना हो सकेला लहसुन के बिना चटनी के सरकार चटनी ओ चटनी बाबू के चाही ई ली फाइल भूला माते प्रणाम कोरोना ने आपको भी नहीं छोड़ा मां कसम
आराम माते बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। माँ कसम बाल्टी दे दे, काली माता के सैनिटाइज करना है। बसंती माँ कसम माते, सैनिटाइज जरूरी रहल है माते। यहाँ करत बाड़ू का दरवाजे पे आई है काली माँ। माँ माता जी दरवाजे पे आई है काली माँ। काली माँ सिंदूर दे माँ। हाँ माँ आज धर्म पाजी घुसल गए। पूजा भी जरूरी रहल है माते। दरोगा जी, ये हाल कैसे हो रहा है? कहाँ हो गया रुआ? हाँ? चौखा जब तुई नवरात्रि के पूजा करत रहले। लेकिन नवरात्रि तो 2 महीने बाद है। बैंक लोन भर ले कि ना? चुका दे ले हो खब। चुप करो। दरोगा जी, 3 साल पहले ट्रैक्टर खरीदे खातिन 5 लाख रुपया लोन ले ले रही हाँ। बाकी चुका ना पोली हाँ। हम चुका देव। देख, ट्रैक्टर चाहे चले या बंद हो के, एकरा से बैंक का कुछ लेने देना नहीं खे। 1 महीना के अंदर 5 लाख मूल और 1 लाख ब्याज चुका दिए ना, तो ये घर मकान सबके जब्ती और कुर्की और 2 साल के जेल। 30 दिन जी, यानी 1 महीना लोन चुका दिए। धनिया साहेब, ई बेवकूफ के कौन लोन दहलस? का पता साहेब? अच्छा भलकी साहब, हमनी के सैनिटाइज करके छोड़ दहलस। नहीं तो थोड़ा देर और रुकती जा, हमनी दोनों के क्वारंटाइन कर दही तू। का भाव से हो? 100 रुपया भाव साहब। अरे बड़ा महंगा भाई, अनार का भाव है? 80 रुपया साहब। आई केला? केला 40 रुपया दर्जन। सेवो बड़ा महंगा बा हो? का साहब, बैंक मैनेजर बानी और मोल भाव हमरो खातिर महंगाई बा, हमरो बाल बच्चा बा। ऐसा मत करा, कुछ कम करा। 10 रुपया। मैनेजर साहब प्रणाम। हाँ दा, 1 किलो दा। अरे प्रणाम प्रणाम, का हाल बा? जी बढ़िया बा। अच्छा भल के रहे जी, मिल गनी हम बैंक के जाता नहीं हूं। अच्छा अच्छा, का काम रहे? बात ई बना कि कल हमरा द्वार पर पुलिस वाला लोग पहुंच गए रहे पैसा खातिर। ना तो पुलिस गए रहे तो तुहार माई लोन ले ले बाड़ी। हाँ वो तो जानता नहीं। 3 साल खातिर ले ले रही। हाँ एको के किस जमाने के कहले तो? अच्छा तो हमारे का टाइम दे दी ना, चुका दे मुकरा के। अब टाइम देवे के समय खत्म हो गई बा। 30 दिन में तू पैसा जमा कर दा, ना तो आज तुहरा पास पुलिस गई है। हाँ। कल तुहरा माई के जेल जाए के पड़ी। क्या बात करता नहीं? अरे एकदम सही कहता नहीं। ऐसे मत करी मैनेजर साहब, ऐसे मत करी। ना ना कुछ ना, तू पैसा 30 दिन में जमा कर, ना तो तुहरा ऊपर कार्रवाई होगी। ना ना कुछ ना, चलो चलो। अरे पैसा जमा करा भाई, पैसा जमा करा, और कोई उपाय नहीं है तुहरा पास। चलो अब क्या करें, कहाँ जाएं? ए भाई पैसा, यह मैनेजर साहब वाला लोन में लिख ले। पैसा नहीं है भाई। चटनी बाबू प्रणाम। अरे चौखा जी, हाँ भेल भरी घबराहट में हवा जी। बात ऐसा बना कि हमार माई 3 साल पहले बैंक से लोन ले ले रहे। अच्छा, और अभी तक ले चुकौनी ना, तो दरोगा बाबू हमरा दुआर पर चल गए हैं लोन चुकवावे खातिर। तो कुछ हमरा के सहूलियत दिलवा दी तो हम धीरे धीरे भर दे। ठीक बा, तोहर कर्ज माफ हो जाए जी। लेकिन तारा के ओकरे बदले एगो काम करे के पड़ी। कौन काम? लिट्टी से हमरा के एक बार मिलवा दो। लेकिन वह दिन हम लेके आई रही ना मिलवावे खाती। वह दिन सबके सामने में लोला रहला ना, हम अकेले मिलल चाहता नहीं। लिट्टी से लोन के का मतलब है? तो के लोन माफ करावे कहो जी। हाँ तो ढेर सवाल मत करा जी, मिलवा दे बस। ठीक बा, लेकिन कहा काल ही तू लिट्टी के लेके हमारा फार्म हाउस पे आ जा। और चौखा, हो सकेला ही चट्टे फट्टे में तुहार लोन माफ करवा दी। जी ठीक बा, कल 10 बजे लेके आ जाए। ठीक बा, प्रणाम। जा अब, मने नुकसान करे खातिर पैदा भेलो का? आई थी सरकार पगले था। ए चोखा, सरकार ए
भूला। चढ़ गया जवानी का बारूद भर गया, उम्र मेरा जब से चढ़ गया जवानी का बारूद भर गया। और जिसको भी देखो हर कोई यहाँ मेरे में खो गया। तू चला तू चला फूल झड़ी नाच रहे हो भाई? सर हमारा लोन माफ कर दीजिए ना। हमारा रिक्शा खुद लोन पे है भाई, तुम्हारा कहां से माफ करूं? ओके सॉरी। रेड टेकला देखा तेरे गाँव। हाँ। एक दिन ऐसा टाइम आई कि सारा जमीन हमर रही। अच्छा? सब खरीद ले जहाँ तक नजर जाता, यहाँ से लेके वहाँ तक। अरे ललमुनिया भौजी जल्दी आओ। का भाई रे? अरे गौरत साड़ी उतार दिया। का? अरे सही में साया भी उतार दिला। का बात करता रे? अब बलाव तो उतार दिया, जल्दी आओ। अरे बाप रे, आओ तो रुक। केन केन देख देख देख। अरे उतरेगा नहीं, पसे उतार दिया। हम कब कहानिया की खोला दिया, हम हूँ तो कहानिया को उतार दिया। साड़ी उतर लस, साया उतर लस, ब्लाउज उतर लस। तोरा खानी बेकार आदमी है, धरती बना हुई तब बढ़िया रहती तो तोरे तोरे रहती। तू आर बार छोड़ के हम आ गई।
हमरा कहे मारा तानी तोरा लौकला तते कहे ना बता दे लौकला त पावर बढ़ा पावर प्रणाम जमींदार बाबू ठीक बा हाँ एक काम कर बा हाँ तर मुनीम जी के बोला लावा तो मुनीब जी के कहे खाती अरे भाई कर्ज के माफी खातिर पढ़ल लिखल हुए हुए अच्छा। कागज पत्र बताई है कौन कहाँ कैसी हो ही? अच्छा अच्छा ठीक 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 हम आवत नहीं मुनीब जी के लेके कालट्टी देवी वदन का कह रहा हुआ कि तू हमारा चप्पल से मरबू चाहती तो वही घर तुहरा का जवाब देती लेकिन ना चटनी सिंह नाम है हमारा प्यार और वार दोनों जगह और समय दोनों देख के करीला का सोचलू हमरा बारे में यही कि तू घटिया ना महा घटिया इंसान बाड़ा और हाँ एक बात याद रख आइंदा ऐसन बेहुदा हरकत कैले ना पूरा गांव में तुहार इज्जत उतार दे लट्टू देवी तुहार जवान मन कर है तवन करा बाकी एक बेर श्रद्धा पूरा कर दा हमार का भाई कुछ ना जी जमींदार जी के गाल पर मच्छर बैठल रहा मच्छर मरलो है ना हाँ मार गई है ना देखी तो ये सब ठीक नहीं है देखिए मरलिटी रव के अपना ख्याल रखे लिए अब मच्छर सन से थोड़ा ध्यान से रही रुआ जमींदार साहब बहुत डेंगू के बीमारी फैलल बा थोड़ा धुआं धोकर जलावत रही मच्छर नहीं हंस अगला बार अगर आई तो हमारा के याद करब लाठी से मारब मच्छर रहे ना दे ठीक बतनी सुनी ना आओ हमार लोनवा के देख ले तनी जमींदार साहब क्लियर करा दियो करके जाओ जी ठीक बा चल ओहो लागत सरकार के कोनो बिसैला मच्छर रहा लगा दी आज काट के थप्पड़ तारा पे बहुत भारी पड़ी बेटी का बात बद्रुका जी रास्ता कहे रुकले बनी काहे लोन का पैसा चुका देला लेकिन काल तरवा कलर नहीं की एक महीने बाद भरे के बाद बुझला 29 दिन खत्म हो गए काल पैसा चुकावे के आखिरी दिन हो और अगर कल पैसा ना देला तो तुहरे कमर में रस्सी बांध के पूरे परिवार के साथ जेल के अंदर फूस दे अंधेर गर्दी मचल बाका के कमर में रस्सी लगा के सब केहू के जेल में डाल दे कानून हमो जानी ले दरोगा जी तो एक काम करें पहले बैंक से प्रॉपर नोटिस भेजवाए ओकरा बाद हमने से बतियाए तो ठीक बा अब हम तू ना कानून कानून के लहसुन कमाल का दलील थी तू तेरा जुबान पर लॉकडाउन लगा दलू अब एकरा वैक्सीनो ना मिली चल हम सोच ले बने काले हम सर जाए और लोन के पैसा जितना जल्दी हो सके चुकता करब लेकिन रवा वहां जाके करब का करब करब ना तोरा और अपना नाम की दुकान करब लिट्टी चोखा के कम से कम शहर के लोग के अपना गांव के लिट्टी चोखा तक खिला दे यही बहाने अगर रवा लागत था कि रवा के वहां गईला से परेशानी कम हो जाए तो ठीक बा हम रवा के रोकब ना ए भाई लंबात हमार सब कपड़ा सरिया दिया हम भोरही जाए माई तू लिट्टी के ख्याल रखिया हम्म
जहिया ले चमकी सूजवा के ज्योतिया चहकी चानिया आसमान में लिट्टी से चोखा कब दूर नहीं होती बसलू तू हमारा परहन रखी है कुल ही छप्पन गोछा अपनी चाल में रखी है कुल ही छप्पन गोछा अपनी चाल में फसिया जनिए राजा ए फसिया जनिए राजा सोती मिया के जाल में फसिया जनिए राजा सोती मिया के जाल के रही है राजा तानी हट के लासा पर लसी ना लो भई होली पट के चूटानी आना दूची पट के जातानी जान तहरा लागे जान छोड़ के दहिया से रहे भले दूर हो करी ले बदरानी खातानी किरिया आई बुला भट के जरूर हो होके हाँ जानी दूर हमसे कौनो भी हाल में होके हाँ जानी दूर हमसे कौनो भी हाल में फसिया जनिए राजा ए फसिया जनिए राजा सोती मिया के जाल में फसिया जनिए राजा सोती मिया के जाल में लागले तनी ताकि हमर दुकान धाका धक चली हे भगवान हमर बिजनेस जल्दी से बढ़ा दो कर्जा से मुक्ति दिला दो भैया सोलो किन के
हम नहीं की जाना, हमरा की बचा ली लो, बचा ली लो हम की। अर्जा सिंह, ये जंगल है जंगल। और जंगल में चुनाव नहीं होता है। यहां शेर अपनी मर्जी से खुद राजा कहलाता है। चाह की जान आसमान में लिट्टी से चोखा कब दूर नहीं होखी बसेलू तू हमारा पर खाएंगे का बनाए। हाँ का बात बा जमींदार जी, आज ही बारात लेके है जा लट्टी देवी। वो कहा कि बड़े दुख के बाद भतनी संभार के सुनिया, दुनिया में जी आयल हो ओके एक दिन जाए कहो। का कहलो हा? पटाई रहा, पटाई रहा। हाँ, कहेंगे। अब ये कहत रहनी है कि कैसे बताएं, कुछ समझ में नहीं आओ। साफ साफ बताएं। कर्ज से परेशान चोखा आत्महत्या कर लेलस। वो अभी दुनिया में नहीं खी। एका बकवास करे तारा। जमींदार साहब ठीक कहा तारा, लिट्टी देवी ब्याज काट के अब अपन चोखा पहाड़ी से कूद के अपन जान दे देलस। चुप करा तुम लोग, निकल जाइए यहां से। हमार लेके ऐसा ना कर सकेला। लाश के बहुत तलाश करनी, बुझाता कि लाश के सियार और कौवा खींच ले गए ले पहाड़ी के नीचे कुछ खून के धब्बा और ये बैग मिलल बा। देख के बतावा कि ये बैग चोखा के है कि केहू और के। रउआ सबे लोग, इस जमींदार साहब के बात के सुन के इना समझ ली कि सरकार गरीब मजदूर किसानन खातिर कुछ ना कर रहल बिया। हम मंच से सरकार के नुमाइंदा होके के नाते लिट्टी देवी खातिर यानी कि चोखा राम के परिवार खातिर 10 लाख, जी हाँ 10 लाख मुआवजा के रकम घोषणा करतानी। घंटा कर रहल बाड़ा 10 लाख रुपया।
मेरारू हमरे गांव का जमींदार हम साथे ये रही है भक्चोनहर। देखा तो करेक्टर ले सवा हम कुल समझत हई हमरे गांव के मेहरारू हम रहो बकरा साथे ए जमींदार। हां भाई तोरा कोनो प्रॉब्लम बा का चलला खबर? अरे ना यहां विधायक और कलेक्टर के भारी ड्रामा चलता। ई गांव तहरा बाप के जागीर हो। नहीं तोरा बाप का जागीर है। चुप सारे ने खींच के मार दे तोर बाप भाग जाई। भाग गई तहार रिपोर्ट ऊपर तक भेजी का। हां ठीक बा हम एक काम करतानी भैया कलेक्टर साहब के साथ मिलके आपसी समझौता करके लिट्टी देवी खातिर कोनो न कोनो रास्ता निकाल। चटनी बाबू जिंदाबाद। जोर ना ताली। जिंदाबाद। चटनी बाबू जिंदाबाद। 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 सुन रहे कलेक्टर साहब लिट्टी हमार हिया मतलब हमार हिया। तो हमरे एगो बात सुन ली जमींदार जी लिट्टी हमार बिया तो हमार बिया बस। बाहर कैसे बिया नजर हमार पहले पड़ल ना हमार नजर पहले पड़ल रहे बस। इलाका हमार जमींदारी हमार तोहार नजर कैसे पड़ गई? लिट्टी हमार बिया तो हमार बिया बस। हम ही जमींदार हम आदमी जानवर नियर काटीला हमार खोपड़ चल पाती तो हम काटत तो के। अच्छा अच्छा हाँ। आदमी के जानवर लेखा काटेला। हाँ। बड़ा दिन से हमार फिटनेस चेक ना भाई। अच्छा आई तब आ जा आई आवा हाँ आवा आई हम काट डाल। हाँ हाँ काट है। अरे सरकार रुकी भी आज काट के आप दोनों जाने का लड़ाई में बाजी जरूर कोनो तीसर मार ली है तो हमार मानी आप अपना तरीका से लिट्टी का पटाई और आप अपना तरीका से पटाई लिट्टी जकरा से पहले पट गई लिट्टी होकर आए मंजूर। ते एगो औरत का ही ये दोनों महापुरुष बन गए लंगूर आज काट के जातानी जान तहरा लागे जान छोड़ के दहिया से राहेब भले दूर हो करी ले वादा रानी खातानी किरिया आई बुलावाट के जरूर हो। तू कह रहे हो जरूर लिट्टी भूत भूत करे करे भूत भूत ना ना भूत भूत ना ना भूत ना भूत ना भूत करे करे ना 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 भूत ना ही हम तो हर पति चोखर हम चोखर बैठ बैठ हमके चिट्ठी काट के देखा देखा हम जब शहर जाता नहीं ना तो हमारे के कुछ बदमाश घेर लेला सा रास्ता में हमारे सामानों छीन लेला सा हमारे के बहुत मरलन सा और हमारे के पहाड़ी के पीछे फेंक देलन सा। दो दिन तक होश ना रहे हमके दो दिन बाद होश आई ना तो हमके कुछ ही याद ना रहे तो हमके खाली घर याद आई तो हम घर आ गए नहीं। लेकिन पता बा यहाँ गाँव भर में हल्ला हो गई बा कि तू मर गई ला ऐसे हमने के रो रो के बुरा हाल हो गई बा
देखी हम तो चिंदा बन भगवान करस तो कि हमरो उम्र भी लग जाए अब तो लौट आई ले अब हम के भगवान से कोनो भी शिकायत नहीं की और हम सरकार की तरफ से मिले वाला मुआवजा भी ठुकरा दे मुआवजा कैसन मुआवजा तू मर गई ला ई जान के सरकार हमने के 10 लाख के मुआवजा देव के काले रहे लेकिन अब हमके कुछ ना चाहे और हम काले जाके जमींदार के बता दे कि हमार मरद जिंदा बाड़े ना ना तू कहीं ना जाइबू कहीं ना जाए लेकिन कहा है देखा लेटी हम पूरा जीवन भी कमाए ना तो शायद हम 10 लाख रुपया ना कमा पाए अगर सरकार हमें के 10 लाख मुआवजा देता और मुआवजा ले ला दुनिया की नजर में हम मरल बनी ना हम के मरले रहे था गरीब खाती 10 लाख मुआवजा बहुत होला ये सब होई कैसे होई आज के बाद से हम घर से भरी कबू ना निकल कबू ना वो पीछे वाला कोठरी बना वही में रहा जब तक ले मुआवजा के पैसा ना मिल जाए ओकर बाद देखल जे का करे के बा लेकिन एमे तो के हमर साथ देवे के पड़ी लेटी बोला हमर साथ देवो ना चुका लेटी नूर का है टिकुरी भी लगावा अपन चोखा जिंदा बा कहीं मैं देख तो ना लेने का चोखा जिंदा भाड़े कहां भाड़े माजी दुल्हन हमने कई मान के चले के पड़ी तकलीफ समझ सकेली तो जवान बाड़ो सुंदर बाड़ो और ये बड़ा लोगन के आगे हमने की कोनो औकात नहीं की अपन बपौती समझे ले हमने के यही से दुल्हन तू सेनूर लगावा टिकरी लगावा सब कुछ करा ताकि सब केहू के पता चल जाए कि हमने सास पतो चोखा के गैला के बाद कमजोर ना पड़ल बानी माजी आज से हम रोज श्रृंगार पटार करब तो खाना के तैयारी करा हम लौना लेके आवता नहीं हम कैसे बताए रहुआ कि माजी कि चोखा सच में जिंदा बाड़े ए जी कहां बानी चाय पीली ए जी हे भगवान ये कहां चल गई नी फिर से बुला तो नहीं गई सब ठीक बा कहाँ जाता हुआ इतनी निपटे आल रहे नी
सरकार इतना कुछ बनौले बा तब तू दूसरा के खेत में हक के भर भस करता रहा। अरे घरवा में आदत देखे नु, बाहरी में बढ़िया से निमन से होला। तो तेरा के घर में आके के कहता लैटरिंग में हागा। अरे आदत नहीं खेनू, यहाँ बढ़िया होला, काम के काम हो जाला, खेत के खातू मिल जाला। सुखा सुखा एजी पंक ऐसा क्या करता नहीं कि ना तेरा कपड़ा के खेत में चला नहीं। अरे क्यों देख ली तो पूरा प्लान चौपट हो जाए। सुखा बात देख ले बा का देख ले सुखा देख ले हाँ। हे भगवान चलो यहाँ से जल्दी चलो चलो जल्दी। आई जमींदार जी आई ये वो है जगह। हाँ ये है वो पक्का पक्का होटल बोल था। हाँ हाँ ये जगह हमने खतिर आए रहनी देख 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 हन देख हन देख हन देख हन देख बोला मैं हाँ हाँ इधर है इधर है। जमींदार साहब होटा क्या कर रहा हूँ हमारा तो रहो हम निपट खतिर आए रहनी हमरे के डरवा के भगा देला सर। सरकार हाँ सरकार हमका लगता इस सुखवा जरूर है पुतला में चोखा के देख लो है ब्याज काट के। अरे ना जमींदार साहब साचो कहा था नहीं चोखा के बूते हैं बैठा रहे। ना जमींदार साहब उन्होंने जी सही कहा था ना ये पक्का झूठ बोलत बा इधर देखे ना हमरा भरोसा है। चुप चुप आउटा है नहीं के देखल ना त अपने माई के पेटवा में कैसे रहले तेरी माई का लाइफ हम नौ महीने रहनी करिया भूत सारे नौ महीना सारे आज के बाद तोरा कहियो भूत ना लूंगी आज काट के। अरे भरोसा करो हमरा पे भरोसा करो। अरे के हो हमरा बात पे भरोसा कहानी के करत देखी रहो आ तो गई लेकिन संभाल के। तू चिंता मत कर हम ऐसा मुंह ढक ले बनी ना कि के हो हमरे कने के पहचान सका समझ लो। हां लेकिन अपन चेहरा ढक के रही हो जा गई एकदम भूला गाधिया। आए देखी क्यों देख लस तो बहुत मुसीबत हो जाए यहीं से अपन बोलत खाने। अरे कहाँ चल गई नी। हाँ इली साहब कहाँ भे इतना पैसा तो धरती पे चाहे जहाँ भी तुझे तेरी खुश। अरे चोखा ये 2.5 किलो के हाथ जिस पे पड़ता है ना वो मरता है। चुके, चुके। तारीख पे तारीख भूत, 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 अरे भूत, चौका के भूत। अरे यार चोखा का भूत चोखा का भूत वहां सुखो चिल्लाता हूं यह चिल्लाता हूं। अरे कहां पे चोखा का भूत। लट्टी जी नमस्ते। अरे जमींदार जी रवा ही जा। बस लट्टी जी सोचने की एक बेर हाल चाल ले ली सास पतो घर में बानी कैसे बानी ठीक ठाक बानी की ना माई नहीं खेला उखा तो जी वो बाहर गई बानी। अच्छा अच्छा बाकी सब कुछ ठीक बानू कोनो तकलीफ तो नहीं खे जो ना घर की मुरत और आ गई लोग
वो घर में सब कुछ रहला के बाद भी कुछ न रहला जमींदार जी, वहाँ के बिना हमके बिल्कुल निमन ना लागेला। अरे तो काहे चिंता करत हरू, चोखा नु नहीं खे चटनी तो बा। कभो कहो लिट्टी के साथ चटनी के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लागेला। ठीक कहनिया जमींदार जी, एगो तो रोवे तो बानी जे गांव में हम जैसन अकेली औरत के परवाह करेनी। तो कल सुबह तैयार रहिया कचहरी चले के बा, चोखा के मृत्यु प्रमाण पत्र लेके वो कहा ना जितना जल्दी पेपर जमा हो जाए उतना जल्दी मुआवजा कर रकम मिल जाए। ठीक बा जी, भोरे तैयार है बस। अच्छा यो लिट्टी जी, ये दरोगा कहत रहा है कि अगर चोखा के भूत दिखाए पड़ल हो। ई का कहता नहीं रोवा, हमार मरत तो देवता रहले, ओ कभी भूत बन के नहीं भटक सकत। हाँ, ये तो है। या तो रोवा हम पर विश्वास करी या फिर ई दरोगा पर। ना, हमारा तो रवे भरोसा हो, अगर आप ना भरोसा हो। हाँ? रात भर भांग पियला, उल्टा पुल्टा बात हमारा खोपड़ी में भरेला। भड़प दरोगा भरवा सलाम पीछे। ए जी, हम ठीक बोल नहीं है ना? बहुत बढ़िया। लट्टे अरे चटनी सी हाँ, इका रंग रूप बनौले बाड़ कहे ठीक नहीं लागत का? ना ना, एकदम हीरो खानी लागत है। बड़ा स्कूटर पे चलल जाए। हाँ, चार चकवा कहाँ बा? का बताएं, चार चकवा को लेके साथे बिगड़ गई ली हो, सर्विसिंग में गए हैं। लेकिन तू चिंता मत करो, ले चला एकदम पानी नहीं हो, झटका ना लागी। ठीक बा, बैठा बैठ बैठ बैठ। एकदम भरोसा रखा हमारा ऊपर। यस। अच्छा लिट्टी, ये सेनहूर और मंगलसूत्र तू काहे पहरे लो जब चोखा मर गया हवा? तो कहाँ ना जमींदार जी, चोखा हमरा और माई खातिर आज भी जिंदा बाड़। अच्छा अच्छा, लेकिन एक कलेक्टर बस तनी बच के रही है, बहुत चरित्रहीन आदमी लागल हम के ससुरा। अब लिट्टी आओ, कलेक्टर साहब है। हाँ बाड़न, उनसे कह दो कि चटनी सिंह आयल हुआ लिट्टी देवी के लेके। सर, चटनी सिंह और लिट्टी देवी आयल बाड़न। चटनी सिंह को बाहर बिठाइए जी, और लिट्टी देवी को थोड़ा इज्जत से लेकर आइए। जी सर, देखत रहो, चिंता मत करो। हाँ, का बोलन? लिट्टी देवी के बुलावलन है। लिट्टी देवी के? जी। आवा। ना ना ना। का ना ना? लिट्टी देवी के बुलावलन है खाली। जा कोनो बात ना, मिल के आओ। जा जा। अरे आई, बैठ। बैठी। लिट्टी देवी, एगो बात पूछी। जी। ई चोखा राम के मौत के बाद भी ई रउआ ई सिंदूर मंगलसूत्र मामला कुछ समझ में आई ना? ओ, चोखा मरला के बाद भी हमरा और हमरा माई खातिर वो आज भी जिंदा बाड़े। अच्छा अच्छा, खैर जाए दी, आवे में कोनो तकलीफ ना नू भाई? ना ना, तकलीफ काहे होई, वो जमींदार जी इतना प्यार से अपना स्कूटर पे बिठा के लिए आए बानी। इस जमींदार जी जो बड़े नू एक नंबर के कमीना बड़े, उनका पे भरोसा करे के जरूरत नहीं खे। ये हमरा मरद के मृत्यु प्रमाण पत्र, मुआवजा कब तक मिल जाए? मुआवजा खातिर तहरा के परेशान होके के कौनो जरूरत नहीं खे। हम बने नू 7-8 दिन में मुआवजा के रकम हम अपने हाथ से लेके आई और रउआ हाथ में दे दे। ठीक बनू। अरे लिट्टी, अरे जमींदार साहब भी आई रहल। ना ना, जमींदार का भूत खड़ा हो। फटफटिया से आई बनी। फटफटिया पांडे जी। जी सर। लिट्टी देवी के जब तक मुआवजा के रकम ना मिल जाए सर, तब तक लिट्टी देवी सरकारी मेहमान बारी, और सरकारी मेहमान सरकारी गाड़ी में न चले ले सर। तो लिट्टी देवी के
सरकारी गाड़ी से सरकारी इज्जत के साथ छोड़ के आओ। लिट्टी देवी कोनो दिक्कत हो तो हमरा के बताई हो, जा सरकारी गाड़ी से जा। चलिए हाँ हाँ, कौन दिक्कत हो तो बताइए। तुम्हारे स्कूटर में फटफटाइए क्या कहला? मेरी स्कूटर 1971 में ली गई जब किसी के पास नहीं था। ओके 71 हाँ 71 में खरीद ले रहला और आज तक फटफटा रहल बड़ो। व्हाट फटफट 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 अरे भड़कत काहे बड़ा है? आज ले तहार ब्याह ना भइल त एकने लोग के देख के तहरा जलन होता का? इनके देख के ना भड़कत है ससुर का है? भड़कत बनाते हैं कि जगह क्यों और कहो के कर हा लिट्टी कहो सुन ना, अगर त लिट्टी के लेके आ जाते ना। अच्छा लिट्टी यहां आके का करे? अरे सारे तोरे दक्षिणा के प्रबोन तोरा दारू और मुर्गा दोनों मिल जाए। अच्छा हां जाई हो चल ले जाओ पटाई ला हम अभी जाते हैं।
आई के बियाह हो गई, पता ना हमारा सरकार के बियाह कब होई। हां हां हो जाई। अरे माता जी प्रणाम 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 प्रणाम। बैठे 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 जी। आई ना, आई आई आई, बैठे 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 बैठा। लिट्टी भौजी, लिट्टी भौजी, अरे चला सामूहिक विवाह में न्योता बा। अरे चटनी विधायक जी याद करता रे। अरे चोखा, अरे का हाल बा? सब ठीक बा सोखा, तू? हम भी ठीक बानी। सुना ना, वो लिट्टी भौजी के भेज दिया भाई सामूहिक विवाह में न्योता। अरे बिल्कुल बिल्कुल ठीक बा। ठीक ठीक ठीक। कहाँ भूत? लिट्टी के घर में। लिट्टी के घर में? अरे दंड बैठक पहले थो तो के रोज भूत दिखाता उधर फटे फटे कर रहा है ना। जमींदार जी हम अपन मोल माई के लिए खा के कहता नहीं, चौका के भूत ओकरे घर में बा ना। लेकिन तो खुद चल के देख ले लो। भगवान सुखवा के फिर से देख ले लो उसका। माइक लगे भेजब हम, अगर गलत निकल तो मार दिया हम रख। गोली मार दे। हाँ गोली मार दी। ठीक बा। हाँ। चल चल, चल। हम देख क्या बता नहीं, तू तब तक व्यवस्था देखा। हाँ। ठीक बा फॉलो मी। चला हाँ चला 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 हमरा के लोकला। हाँ आज दूध का दूध पानी के पानी हो जाए। रुको 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 रुको, ये हमार घर हवे, कौनो धर्मशाला ना। हाँ हाँ बिल्कुल 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 धर्मशाला ना। आज हम तो लोग जुत्ता से मारब, हमार दिमाग फेल कर दे ले हवा। क्यों घर में घुसबा? चला वापस। हाँ फैसला कैसे हुई? अच्छा अभी चेक करके पड़ी। आप लिट्टी जी, ये सब जाहिल गवार गांव के जब आठ लोग हुए, इनने के मन में फितूर आ गए हो तो चेक कर ले बदनू। हाँ चटनी। हाँ तोरा हमरा पे भरोसा नहीं खे? नहीं खे हमरा के भरोसा नहीं। हमरा भरोसा हो? एक काम करी का। हाँ? हम जाके चेक कर ली। हाँ। हे भगवान अब कैसे रोके। ठीक बा लेकिन हमो चलब। हाँ चलो ना चलो ना। हाँ। हमो चलब। कैसे लगते करी? हाँ हम देखनी है। हे लिट्टी जी यू का चले दो। हाँ, हाँ? हाँ। चल सोखा कन्ने बा यही पे पेलत रहले है, दन बैठक पेलत रहले है। हम आनी तो हमरा साथे कुश्ती लड़के चाहत रहले, ओकर बाद हम जान बचा के मतलब। अरे तो जमीनिया खा गई कन्ने बा। चोखा अरे आवा दो दो हाथ हो जाए। चोखा नहीं खन्ना अब चल 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 ना, बिना तना से लिए मत जवा जवान जमींदार की। अरे माई के खा के कहता नहीं, तू अपना घर में बा। तय मरबे कोनो दिन हमरे हाथे, जा अंदर देख के आओ। अच्छा हम चेक करत आई। चोखा 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 आवा पागल ससु चोखा हले जाके देख। चोखा आप सॉरी चोखा कहाँ बड़ा चोखा? अरे बाहर में काटे कटारे ऊपर आते। चोखा अरे आवा भाई बड़ा बदमाश हो। देखा बेइज्जती मत करावा यार। चोखा चल नीचे उतर। उतरा रहते अपन आए गढ़ा तो के ऊपर बता देती। नीचे उतर नीचे आ तो नीचे आ। चोखा हमके फेर दे देला धोखा पगले कहीं फिरा। ये काटब कौन दिन तो के बता दे थई? अरे रहे हो जितना करिया हवा ना उतना गोर तो के बना दे बता दे। लुका छुपी खेला था हमरा। छुपी खेला था हम कहत रही ना चोखा नहीं खे एकदम रो के हम में विश्वास ही नहीं खे। अरे लट्टी जी कैसन बात करता नी रहुआ पे विश्वास ना करब तो के करा पे विश्वास करब? हम पड़ गए नहीं है भूतिया के चक्कर में। अरे ना विश्वास करो। आंख फोड़ डरब चुप रहतो बोला मत। लट्टी जी सॉरी चल भर चल चल
चल मारे आई आई जी आई तू आवाज़ सारे तो के बताओ थे चल अरे कहाँ चल गए का ना मिलल आओ बेटा आओ रहे हो हमारा गांव को शोभा हवा तू हम जीवन में बहुत फूतिया देखनी लेकिन तुमसे बड़ा फूतिया ना देखनी अरे रहे वो पता नहीं कहाँ लुका गई लुका गई ना तू हवा ससुर लतखोर बिना लात खाए तो हर बुद्धि खोले लेना एना तो हर लात खा बा जरूरी लट्टी जी सॉरी हे भगवान ये कहाँ चल गई ले जी जी कहाँ वाली रहो जालू कागनी उ सोखवा देख लेला सा अच्छा ठीक बा नीचे आए अरे ना ना ऐसे से नहीं चोट लग जाए सीढ़ी से आए अच्छा संभाल के गड़बड़ ना होई संभाल के रवा ठीक तो बानी हां हम ये सब कहा रवा सब प्लान करे नहीं और रवा सबके सामने आ जाता नहीं केहू रवा के देख लेता हम का करती उ तो देखिए लेला सा देख काली भाई ला काना हां जी हम कसरत करत नहीं त ले चोखा हमार चोखा बेटा तू जिंदा बाड़ा हाँ माई हम जिंदा बानी माई यहाँ के जिंदा बानी केहू से बताई हमत लेकिन का है अगर उन लोग के पता चल जाए कि ये जिंदा बानी तो हमके मुआवजा के रकम ठुकरावे की पड़ी और बैंक वाले भी हमने के परेशान करे लगी है हाँ माई ठीक बा तू लोग जैसन कह बना हम वैसन करब ठीक ना माई हमरा लिए तो ये काफी बा कि हमार लड़का जिंदा बा हम काले जमींदार के पास जाए और बैंक के लोन खत्म कराए ठीक बा चल चल आओ आओ जमींदार साहब गांव के सारा चापाकल रउवा काहे उखड़वा देनी कम से कम एक तो रह देती हमनी लोग के पानी पिए खातिर तहार बाप दादा कुआं का पानी पियत रहलन हो आ तू सरो पीबा चापाकल के पानी मुंह देख ले आवा अपन ए छोटे हमनी के एको खुशी ना देखल जाला इनसे मारो बे तहार सरकार लिट्टी देवी ब्याज काट के हाय ओए लिट्टी जी नमस्ते रउवा काहे तकलीफ कैनी हो हां कितनी बेर कहनी जब आवे के होके कोनो तकलीफ होके तो बताई गाड़ी भेज दे देखी धूप से रंग उतर गल हो एकदम ना जमींदार जी पैदल चले तो स्वास्थ्य खातिर फायदेमंद होला ओ मुनीम जी सरकार लिट्टी जी का विचार देखा उत्तम विचार बा सरकार कैसे आईनी हो रहुआ ओ जमींदार जी कलेक्टर साहब कहले रहले ना मुआवजा की रकम जल्दी मिल जाए अभी तक कुछ पता ना लागल ओ मैडम जी सरकार पता ना लगा अरे जो हले आई सरकार प्याज काट के आए 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 भागो तुम लोग आई लेट जी अरे चलो चलो हम कितनी बेर कह रहे जब भी कहीं जाए के रहे तो चुपचाप संदेशा भेजवा दी हम गाड़ी लेके आ जाई बताई चा चक्का खड़ा हो तू चक्का खड़ा हो कौन देखा तुम के करे काम आई जख भी दिल मेरी गाड़ी खड़ी है आई का भाई है पड़े रे पड़े जा भाई का घूमता आवा तो तबीयत खराब हो डॉक्टर बुलाई आए लेट जी बोली कुछ है लेट जी उल्टी भाई मनीम जी सरकार
लिट्टी देवी की तबीयत खराब होगा सरकार कौन और प्रॉब्लम अभी आज काट के और प्रॉब्लम मतलब जमींदार जी कहो जमींदार साहब मतलब सरकार रउआ तो सीधा छक्का मार दे लेगा ए सरकार अरे खुशी का माहौल में दुखी का हो रहा बनी अरे भक्सोन हर यहाँ दिमाग फाटल जात हो अरे हम लिट्टी देवी को छुआ बहु ना कहनी त कैलेंडर कौन छाप दले तुरे कौन सरवा जाना तरु दीदिया का हो उ माटी लगाओ ना चटनी सिंह उ विधवा लिट्टी के भी ना छोड़लस पाँव भारी कर देलस का आज चटनी के चटनी बनाई कब हो सु बिना छूले लेटी के पेट में लड़का कहाँ से आ गई तू जमींदार कम से कम विधवा के तो छोड़ देले रहता सरकार आज बुझाता चटनी के चटनी पिसा गई देवियों देवियों माता जी काली माई दुर्गा माई हम कसम खा के कहता नहीं हमार लड़का ओकरा पेट में नहीं की अरे हम ओकरा के छुबो ना कहनी भगवान कसम खा के कहता नहीं ये तो लात के भूत है बाप से ना मानी ए जी कहने बानी का भाई एगो जरूरी बात करे के बा का बात बा हम सोचते रहने की दो चार दिन में कलेक्टर से मिलके मुआवजा के रकम ले ले और ओकरा बाद ई खेल जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए लेकिन अब लागता कि ई पोल हमने के खोले के पड़ी कि रवा जिंदा बानी देखा ऐसा कुछ मत कर अभी आधा काम भइल बा आधा अधूरा बा अगर कुछ भी गड़बड़ करबू ना तो सब पे पानी फिर जाए लेकिन रवा नहीं के जानत ई गांव भर में हल्ला हो गइल बा कि हम माए बने वाला बानी पर तरह तरह की बातें करता लोग अब लोग के बात में पड़बू ना तो केहू तोरा के खाए के ना देना समझ गेलू ना कि दुनिया बोलते रहे बस थोड़ा दिन और जैसे खत्म हो जाए पैसा आ जाए ओकरा बाद हम खुदे खोल दे अरे निमत से लगा हाँ 50 साली कहले हैं कि सरकार बाहर के खाना जन खाएं घर के खाना खाएं और देखिए बेरा पेट खराब हो गया झोल धरले पड़ी से बेरा नमस्कार जमींदार साहब क्या हरे डीएम साहब कलेक्टर आवा आवा कलेक्टर कलेक्टर साहब आवा तोहरे जरूरत रहे बैठा 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 हट रे रउआ कांड कर देनी ना का तय भइल रहे कि लिट्टिया के जे पहले पटाई हाँ। उ पहले भोगी हाँ। रउआ तो प्रेग्नेंट कर देले बानी बाप रे बाप इतना साथी आदमी हम देखनी ना कुल कांडा पुनः कैलेस गेम अपना बजा के पेट फुला दे जब बानी कहता हमके अरे हम ना कहनी तू कैला हा जमींदार साहब हाँ। आपन पाप हमरा सर पे ना मढ़ी अच्छा हाँ। हम पाप कहनी हा अरे भगवान कसम खा के कहत अपनी जमींदारी का हम क्रिया खा के कहत हम अब अहिले लिट्टी के छू ना पाइनी ठीक से तो लइकवा कहां से जाई पेटवा में हम बजरंग बली है जो हमारे पसीने मसला लिखा पैदा हो जाई रउआ छूनी ने हां छूनी 100% सच बोल रहा हूं 2000% कहत नहीं भगवान देखत हवा मार के कुल बना देने भूसा हमके ए जमींदार साहब आ जब रउआ ओकरा के छूनी ना हम कुछ कहनी ना तो ओकर पेट में बच्चा के कर बा चोखा के चोखा की ठीक है कहले हां आए चोखा की ओ मुआल ना हा बल्कि जिंदा बा और गांव अच्छा। वाला के साथे साथे तोहनी लोग के भी भूतिया बना रहल बा भूतिया बना बा सारे दोस्त से बड़ा भूतिया तक हम देख लेना अरे पूरा मार दे अरे भाई अरे भाई जब तक तब आई कबो कहीं घरे में हो कबो कहीं खेते में हो मनेम जी सरकार चारों तरफ से दरवाजा बंद करो अच्छा। और एम्बुलेंस बुलाओ ठीक है आज हम इतना मारब कि जरा बेहोश होके जाई एकरा के कोमा में पहुंचा देबे को अरे जमींदार जी हां हमरा पता रहे हां कि तोहनी लोग हमरा बात पे विश्वास ना करब हां आज हम सबूत लेके आइल बानी सबूत है देखा है हम तो सोचत रहनी कि चोखा के भूत हां लेकिन चोखा खुद जिंदा बा देखला का गुल खिला रहल बा तोता मैना बारे लिट्टी देवी अरे अरे भैया देख लेला जमींदार जी ए सोखा तू उठ जा बेटा मिला वजह हम तो के मरनी हो ए ए कलेक्टर साहब ए देखा देखा देखला तोता मैना के प्रेम के नतीजा आ गई लेकिन एगो बात ही बताओ
इसार गेम काहे करत हो हमारे साथे? इतना बड़ा खेल पति पत्नी मिलके दोनों काहे खेलन हमारे साथे? समझ गई नी आई मुआवजा खातिर अब अपन जमींदारी संभाली चटनी सिंह जी संभाली मुआवजा खातिर मुनीम जी सरकार एकरा माई के लायकी आवो मुआवजा खातिर सारे हमार दाढ़ी मूछ कुल काली करवा देलन हाँ सरकार मुनीम जी हाँ सरकार हमार भाई मिर्चा सिंह के फोन लगाओ हाँ और बताओ अच्छा यहाँ जो कर बहुत जरूरत हो ठीक बा सरकार पति पत्नी दोनों के पकड़ के लाओ सामूहिक रूप से शरण कर नंगा करके ना मरने तामर राम लट्टे सिंह ना अरे लिट्टी देवी जी आप कौन अरे हम आपके नए फैन ले जा रहे के लिट्टी छोड़ो हमरा के जी अरे माता जी रुक रुकी जरा रुकी माता जी शांति रखी माता जी अपने लड़का से कह दियो अगर मेहरारू जिंदा चाही तब पुरन के मिल पर आ जाई समझू मर्द मेहरारू मिल के बड़ा खतरनाक खेला लेकिन शायद तोहनी का ही ना पता कि खेल में हम तोहनी का बाप है देश के सबसे प्राचीन हकदार हैं हम बना दिया दलित हमको थे कभी सरदार हम ओ। लेकिन आज तोहनी लोग के दलित के सरदारी देखे के जरूर मिले कौन दिखाई रे तू तुहार उमरद चौखा आज गांव से लिट्टी चोखा के नाम हमेशा खातिर मिटा दे ए दरोगा लिट्टी चोखा गरीबन खातिर से भोजन ना जिए के आधार हम और जौन चीज गरीबन के हित में आवेला ओकरा के दुनिया से केहू मिटा ना सकेला अच्छा तहनी लोग अब सिर्फ अपना जीवन के बारे में सोचो काहे कि वो चंद घंटा में खत्म होके वाला बा खत्म के खत्म करी रे ओ जे मुंह खोलेला तो शेर की बोली बोलेला मैं विजय कुमार ईश्वर को साक्षी मान के शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा ओ जब चलेला तो चीता भी अपना चाल पर शर्मा जाला मैं प्रशासनिक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा
सुन अने सुन सॉरी सर। कानून के वर्दी पहने वाला आदमी जनता के रक्षक होला, भक्षक ना। हेलो क्या कर दल रस्सी काटत रहनी भैया रस्सी भैया। अब हम सोचली कि पाप ना करे कहो हम लिट्टी के कितना ध्यान रखते रहनी भैया। हाँ सर जी सर हाँ सर जी सर जयंत सर जी सर सर सर। अरे गांव के जे कुल भी आवलन रहा और गोड़ पकड़ा ना आई चकवा दूर से प्रणाम कर रहा था। ऑर्डर ऑर्डर केस नंबर 325/20 चटनी सिंह बनाम सीबीआई कार्यवाही शुरू की जाए। क्या आपके पास कोई सबूत है इनके खिलाफ? और यदि सबूत है तो उसको आप अदालत में लाइए, उसको पेश कीजिए। हाँ सही बात, सबूत है जज साहब, ये रहा सबूत। दलितों और किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन पर आपको बांदा जिला के जनपद ग्राम जौरही जाना है। थैंक यू सर, आपने मेरा पहला मिशन और मेरे गांव से ही शुरू किया। बचपन में मेरे गांव में मुझे लोग चोखा बुलाया करते थे। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अछूत रखूं, इसीलिए इस मिशन का नाम हम चोखा रखते हैं। सर मैं बिहार से हूँ और लिट्टी चोखा बिहार में बहुत फेमस डिश है, तो क्यों ना चोखा के साथ लिट्टी को भी ऐड कर दिया जाए और इस मिशन का नाम लिट्टी चोखा रख दिया जाए। मैं पिछले 2 साल से इस केस पे काम कर रही हूँ, आपको इस केस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं आपको दूंगी। लिट्टी देवी, लिट्टी इतना लिट्टिया फसल का। माय लॉर्ड, इन लोग के सारे गुनाह इस फाइल में कैद हैं। सर लिट्टी शट अप। जितना चाहो से तू हमरा मुआवजा के काम में लागल बाड़ा, उतना चाहो से बसमतिया के मुआवजा कहे ना दियौला। बड़ी तेज बनत रहनी, कितनी बेर कहनी आओ मरवा दहनी लटकवा दहनी। जज साहब इसमें एक और भी वीडियो है कलेक्टर साहब का। अरे सच्चाई हमरा से न सुना, जमींदार साहब के पूरा दलित बस्ती पर दबदबा बा, मुआवजा के राशि जितना आवेल है आधा जमींदार साहब रख लेवे ले, आधा हम रख लेवे नी, करोड़ों कमेले बनी। बड़े बहादुर। और किसी को कुछ कहना है? हाँ जा साहब, आपको जो कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। या सारे जी माय लॉर्ड, मुझे नहीं पता कि देश का कानून इन्हें क्या सजा देगा, लेकिन सिर्फ इन्हीं को सजा दे देने से देश में कुछ नहीं बदलेगा। इनके जैसे आज भी दरिंदे हर गली हर चौराहे हर शहर में बैठे हैं। जज साहब ये लोग ये भूल जाते हैं कि किसान खून पसीना बहाकर अन्न उपजाता है तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। हर आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता, कोई किसान बनाना नहीं चाहता। जानते हैं क्यों?
चंद ऐसे अफसरों के वजह से, इनके वजह से किसान खेती छोड़ रहे हैं। इस देश में हर दिन लगभग 2000 किसान खेती छोड़ रहे हैं, हजारों आत्महत्या कर लेते हैं, और जो बच जाते हैं इन जैसे दरिंदे उन्हें मार देते हैं। लेकिन जरा सोचो, बेटी को मार दोगे तो बहू कहां से लाओगे, और किसान को ही मार डालोगे तो रोटी कहां से खाओगे। ऑर्डर ऑर्डर। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि आरोपी चटनी सिंह, मिर्चा सिंह, कलेक्टर आचारी लाल और दरोगा लहसुन पांडे ने गुनाह किया है। सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। ये अदालत इनकी सारी संपत्ति को जब्त कर किसानों से हड़पे गए मुआवजे को वापस करने का हुक्म देती है। इन्होंने मुआवजा वापस कर दिया है जज साहब। अरे हम कब कहीं नहीं। हाँ अरे रे बाबा, ये रहे इनके दस्तखत किए हुए कागजात। इन्होंने इसमें लिखा है कि मेरी सारी संपत्ति नीलाम कर और गरीबों से हड़पे हुए मुआवजे हम अपनी खुशी से वापस दे रहे हैं। कब हम कब लिख देने हो। अरे मुंह दिखाई में उनका गजबा दिया ही रहे। आए आज काट के। हम तो एक तेल रहनी हो। तेरे नानी के कागज रह जाऊं देते हला तू साइन करवा के देते हला चरित्रहीन आदमी। नानी पे मत जइए ना तो जेल में नानी याद दिला दे। ऑर्डर ऑर्डर, द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आज हमरा के अपना कोख पे गर्व हो रहा था कि हम तोहरा जैसा लेका के भाई हैं। सर क्या फैसला हुआ? सत्य का जीत हुआ, अहिंसा का जीत हुआ, देश के गरीब मजदूरों का जीत हुआ। एक्सक्यूज मी, नो कमेंट्स, नो मोर क्वेश्चन। सर हमारे देश में अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। देखिए हम सरकार के मुलाजिम हैं, सरकार हमें जहां भी भेजेगी हम जरूर जाएंगे। अगला मिशन क्या है? देखिए हमारा जो भी मिशन होता है हम किसी और को नहीं बता सकते। ये सरकार का फैसला होता है और हमें परमिशन नहीं है आपको बताने की। थैंक यू। थैंक यू विजय। पत्नी के नाटक करत करत बताना कब तोरा से सच में प्यार हो गए। प्यार तो हमरो हो गई बतो से का तो के भी सच में। कहाँ भाई? आए केला ले ले, ले केला, केला ले ले, एक केला। हे भगवान, इनकी भूले की आदत, लगा था हमरा प्यार के भी एक दिन भुला जाएंगे। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।